नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभात तिवारी स्टडी आईक्यू पे। फाइनली दोस्तों, यहां पर आप लोगों का एसएससी एमटीएस का रिजल्ट जो है एसएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है। देखिए, पीडीएफ को डाउनलोड करने में परेशानी जरूर हो रही है बच्चों, इसीलिए आप लोग के डिमांड्स पे मैंने आप लोग के लिए पीडीएफ की लिंक जो है आप लोग को दे दूंगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। लेकिन आप लोग एक काम करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। पीडीएफ पा करके आप लोग ना तो वीडियो को लाइक करते हैं ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं कमेंट में आपको पीडीएफ की लिंक दे रहा हूं, वहां से जाकर के पीडीएफ डाउनलोड करें, या फिर गूगल पे कैसे डाउनलोड करना है, चलिए सीधे मैं गूगल प्ले चलता हूं। तो इसके लिए सिंपली आपको अपने क्रोम ब्राउजर या फिर गूगल ब्राउजर में जाकर के जीके सी न्यूज सर्च करना होगा। जैसे ही जीके सी न्यूज सर्च करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। सबसे ऊपर ही आपको जीके सी न्यूज की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगी। ध्यान देना, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में भी लिंक दिया हुआ है, लेकिन आप लोग जीके सी न्यूज डालकर भी सर्च कर सकते हैं। सिंपली चलिए हम लोग इसी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे, देख सकते हैं एसएससी एमटीएस रिजल्ट डिक्लेयर, ठीक है। सिंपली बच्चों इसी पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करके दोस्तों थोड़ा सा वेट करेंगे और नीचे स्क्रॉल करके हम लोग चले आएंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे, तमाम प्रकार की जानकारी दी गई है। अब ये आप लोग की लिंक दोस्तों पीडीएफ की, पीडीएफ की लिंक पर हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप लोग यहां पर आप लोग देख सकते हैं पीडीएफ खुल गई है, आप लोग जाकर के अपना नाम चेक कर सकते हैं। मैंने कमेंट सेक्शन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को लिंक प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। जाकर के पीडीएफ में आप लोग नाम चेक करिए और यहां दोस्तों ऊपर सर्च बॉक्स आपको दिखेगा, उस सर्च बॉक्स से आप लोग अपना यहां पर नाम सर्च कर सकते हैं कि आप लोग का सिलेक्शन हुआ है कि नहीं, ठीक है। चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। अच्छे